कलेक्टर आशीष सिंह ने ऑक्सीजन सप्लाई में तहसीलदार के साथ मंदिर कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई है, ताकि किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर का वितरण किया जा सके। महाकालेश्वर मंदिर समिति ने अपने कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर ऑक्सीजन सप्लाई में लगाई है। 3 अलग अलग शिफ्टों में 9 कर्मचारियों को इंदौर से उज्जैन ऑक्सीजन लाने वाले वाहनों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। इस पूरी व्यवस्था की निगरानी नायब तहसीलदार आलोक चौरे को सौंपा गया है। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शहर के माधव नगर, चरक, आरडी गाड़ी सहित अन्य हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। जिला प्रशासन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बताया जाता है इंदौर के आदर्श ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड प्लांट से भी शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। प्लांट से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकलने वाले वाहन निर्धारित हॉस्पिटल पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग के लिए महाकाल मंदिर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने इसके आदेश जारी किए हैं। 3 अलग अलग शिफ्टों में 9 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रतिदिन रात्रि 11 से सुबह 7 बजे तक की पहली शिफ्ट में सावन प्रजापति, धर्मपाल वियोगी, संजय सिंह परिहार की ड्यूटी है। सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट में राजेंद्र सिंह सिसोदिया, भीमराज खांडेकर व अखिलेश पांडे तथा दोपहर 3 से रात 11 बजे तक तीसरी शिफ्ट में अनुराग चौबे, रितेश शर्मा तथा अखिल खंडेलवाल की ड्यूटी लगाई गई है। समस्त कर्मचारी नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के अंडर में काम करेंगे। ऑक्सीजन का ऑडिट नहीं, अच्छा है, कम से कम इससे बहाने से तो हो जाएगा।